Welcome to Vipin Sharma Physics Channel. I'm your teacher Vipin Sharma. Dear students, मुझे एक student ने question पूछा कि sir क्या हम universe को disturb कर सकते हैं? मैंने बोला yes, क्यों नहीं कर सकते? मैंने एकदम से इंस्टेंटेनियसली उसको रिप्लाई कर दिया, हां कर सकते हैं। जब मैंने ऐसा बोला, हां इंस्टेंटली मैंने आंसर किया कि हां हम यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और आपको सच बताएं, मेरे दिमाग में उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं इस स्टूडेंट को कैसे एक्सप्लेन करूं, पर मैंने बोला हां कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर यूनिवर्स और कहां हम? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी फिजिक्स इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। आप बोलेंगे फिजिक्स एक्सप्लेन करती है? सर फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें तंग करता है, ये यूनिवर्स को भी तंग करता है क्या? मैंने कब बोला आपको तंग क्यों करता है वो आपका टीचर जाने, लेकिन मेरे स्टूडेंट रहोगे तो नहीं तंग करेगी फिजिक्स, और यूनिवर्स को भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रादर यूनिवर्स से हम कुछ पॉजिटिव चीजें खींच लेंगे अपने पास। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने शुरू हो गए, ये टीचर क्या बोल रहा है, हम 60-70 किलोग्राम के, 5.5 मैक्सिमम 6 फीट के, और भी इससे ज्यादा होंगे भगवान करे, तो हम यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं? मैं बोलूंगा हाँ यार कर सकते हैं ना। कैसे? आप एक चीज सुनो, समझो ध्यान से। एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या कहता है? वो कहता है एवरी मटीरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब जैसे मैं आकाश की तरफ ऐसे इस तरह से हाथ करता हूं, जैसे हम प्रेयर करते हैं, हम ऊपर वाले को ऐसे हाथ करके बुलाते हैं, करते हैं ना। हमारे हर धर्म में आप देखेंगे कि ऐसे करके हाथ या ऐसे करके हाथ या ऐसे करके हाथ उठाया जाता है, मास में उठाया जाता है प्रेयर्स के अंदर, ठीक है। जब हम मूवमेंट्स करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन अस एंड द हेवनली बॉडीज वो वेरी करता है। जब वो डिस्टेंस वेरी करता है तो हमारे और उस हेवनली बॉडीज के बीच में एक इंटरैक्शंस डिवेलप होती है, और जब वो इंटरैक्शंस डेवलप होती है उससे एक वाइब्रेशंस भी डेवलप होती है। आप बोलोगे सर क्या मतलब है? सुनो, एक स्टिल पॉन्ड ऑफ वाटर ले लो या एक टब ले लो, उसमें पानी भर दो, ठीक है, परात ले लो, थाली ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें पानी भर दो, स्टिल वाटर हो, उसमें आप हल्का सा कुछ भी फेंक दो या अपने फिंगर को डिप करके बाहर निकाल लो, तो उस पूरे वाटर में रिपल्स क्रिएट होते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, ना। अब वो डिस्टरबेंस जो क्रिएट कर रहे हैं हम, इसी तरह से जब हम वाइब्रेशंस करते हैं, जब हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं बाय मेकिंग द डिस्टेंस वेरी, तो यूनिवर्स में भी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है।
आप बोलोगे सर उससे क्या होता, फिर उससे क्या होना है? अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं तो हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है। अब आपके दिमाग में यह भी आएगा, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस की बात करते हैं, ये नेगेटिव वाइब्रेशंस की बात करते हैं, वाइब्रेशंस को क्या पता ये नेगेटिव है। आप कुछ भी पॉजिटिव चीज बोलते हो और या कुछ भी नेगेटिव चीज बोलते हो, वो लैंग्वेज से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पता चलता है, लेकिन जो शब्द बना है वो भी एक एनर्जी है स्टूडेंट्स। ये बहुत अजीब सी फिजिक्स बता रहा हूं मैं आपको आज। देखिए सिलेबस की तो हम बात करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट का ये क्वेरी, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, और मैंने बोल दिया हाँ हम यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, यूनिवर्स में वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, तो मेरे को उसका लॉजिकल आंसर भी देना है। अब मैं कहां तक सही हूं कहां तक गलत हूं वो आप लोग एनालाइज करो। मैंने जो लॉजिक दिया वो मैंने सर आइजैक न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब एक बात समझने की कोशिश करो, हम जब बोलते हैं तो ये एक साउंड वेव है, ये एक मैकेनिकल वेव है, ये भी एक एनर्जी है। आपको मालूम है कि जब हम बोलते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी वाइब्रेशंस है, वो यूनिवर्स में ट्रेवल करती है। ये मजाक की बात नहीं है स्टूडेंट्स, फिजिक्स है ना। जो मैं कहा करता हूं ऑल नेचर इज फिजिक्स, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है यूनिवर्स के सीक्रेट्स को। हमारे बहुत से रिलीजन्स में फिजिक्स का बहुत जबरदस्त रोल है, उसमें मैं निकलूंगा तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। तो जब आप बोलते हो, कोई भी साउंड क्रिएट करते हो, वो यूनिवर्स में ट्रेवल करती है। अभी एक नासा ने सन की वॉइस को रिकॉर्ड किया था, सन की वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड किया था, और वो किस तरह की वॉइस आती है, ओ लाइक दिस, दिस इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स, और ये वॉवल है। जब आप वॉवल साउंड क्रिएट करते हो तो आप एक साउंड ऑफ यूनिवर्स क्रिएट करते हो, ए ई आई ओ यू, समझे। छोटा बच्चा रोता है मां करके बोलती है, वो चुप हो जाता है। स्कूटर या कार या ट्रक या जहाज या कोई भी चीज चलती है तो उसमें लाइक दिस काइंड ऑफ साउंड होती है, दिस इज द साउंड ऑफ एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम वाइब्रेशंस यूनिवर्स में क्रिएट कर सकते हैं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस। कौन क्रिएट करवाता है? ब्रेन सिग्नल देता है और हम उसको क्रिएट करके यूनिवर्स में छोड़ते हैं, और फिर वो कहां से वापस आता है? यूनिवर्स से रिफ्लेक्ट होके। यस, हमारा ब्रेन जो है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। हमारे ब्रेन को जो एनर्जी मिलती है वो यूनिवर्स से ही मिलती है। अब आप फिर ऐसे हो गए, यूनिवर्स से एनर्जी मिलती है? हाँ मिलती है। मेरे को 26,000 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा, और मेरे साथ एक मेरे कोलीग रहे हैं, तो मेरे कोलीग सफोकेट हो जाते थे गाड़ी में, तो वो बोलते थे सर मुझे थोड़ी देर के लिए खुली हवा में भेज दीजिए, मैं थोड़ा सन 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 लाइट में जाना चाहता हूं, विटामिन डी लेना मैंने।
अगर वो हर आधे घंटे बाद सन में एक्सपोज नहीं करते थे अपने आप को, तो उनका ब्रेन फंक्शनिंग ज्यादा नहीं करता था, उनको नींद आने लग जाती थी। तो मैंने बोला भाईजान ये ऐसा क्या है? कहता मुझे सन से बहुत एनर्जी मिलती है। अब वो फील करते हैं कि एनर्जी मिलती है, राइट? वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हाँ, जब हम बोलते हैं, मैं बोलता हूं, तो मेरी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती हैं। आप किसी भी मंत्रा का उच्चारण करते हैं तो वो भी साउंड ऑफ वाइब्रेशंस ही है, यूनिवर्स में जाती हैं, जो उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। सो बहुत साइंटिफिक लॉजिक है ये, और मैंने इसको कोशिश की आपको ये अपडेट करने की। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और ये एक फिजिक्स के साथ कनेक्टेड है, डे टू डे लाइफ के साथ। तो मेरे को ये क्वेश्चन था, तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिएगा, हम और भी इस तरह की बातें कर सकते हैं। थैंक यू।